तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द बैनिशिंग मूवी को, जो 2020 में रिलीज हुई है। इस मूवी की रेटिंग्स है 4.5 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड ऑन रॉटन टमेटोज इट्स 61% फ्रेश एंड इट हैव अ मेटाक्रिटिक स्कोर ऑफ 48%। ये मूवी 90s 30s के ज़माने में हमें लेके जाती है और इसके ज़रिए हमें एक अच्छी हॉरर स्टोरी बताई गई है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली में शामिल हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पे फ्यूचर में आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज़ मिलने वाली है। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक चर्च के पादरी को दिखाते हुए, जो एक बाइबल पढ़ रहा होता है, पर वो बाइबल पूरी तरह खराब होती है। अब वो पादरी अपने बेडरूम में जाता है, जहां वो खुद को ही अपनी वाइफ का मर्डर करते हुए देखता है और सीन कट हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक चर्च के बिशप को दिखाते हैं, जिसका नाम होता है मलाची, और मलाची डॉक्टर सटर नाम के डॉक्टर के कहने पे उसी घर में पहुँचता है। अब मलाची और डॉक्टर सटर उस पादरी के रूम में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें फांसी से लटकी हुई उस पादरी की लाश मिलती है, और उस पादरी ने अपनी बीवी को भी मार डाला था। अब मलाची डॉक्टर सटर को बोलता है कि लाशों को छुपा दो और बाकी सब कुछ जला दो, और सीन कट हो जाता है। अब 3 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहां हमें एक चर्च के पादरी को दिखाते हैं, जिसका नाम होता है लिनियस, और लिनियस की बीवी भी होती है मैरियाने, और मैरियाने की लिनियस के साथ दूसरी शादी होती है, और मैरियाने की एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है एडिलेथ। और ये पूरी फैमिली उसी घर में रहने जाती है, क्योंकि मलाची ने लिनियस को ये बोला था कि घर के पुराने ओनर अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए हैं और अब मलाची को इस घर की देखरेख के लिए एक नई फैमिली चाहिए। अब वो सब घर के अंदर जाते हैं, जो बहुत बड़ा होता है। अब घर को एक्सप्लोर करते वक्त एडिलेथ को एक बिना आँख वाली डॉल मिलती है, और उसके साथ उसे 3 हुड्डी वाली डॉल्स भी मिलती हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रीपी होती हैं। अब रात को सब कुछ सेट करने के बाद जब मैरियाने एडिलेथ को सुला रही होती है, तो वो देखती है कि एडिलेथ ने अपने ही रूम में उन सारी क्रीपी डॉल्स के लिए एक डॉल हाउस बना लिया है। मैरियाने एडिलेथ से उन डॉल्स के बारे में पूछती है, और एडिलेथ बताती है कि जिस डॉल की आंखें नहीं हैं उसका नाम है विक्टोरिया, और अभी विक्टोरिया ने एडिलेथ को किसी को भी कुछ भी बताने से मना करा है। अब मैरियाने को लगता है कि ये सब एडिलेथ का एक गेम है, और वो एडिलेथ को सुलाकर चली जाती है। अब रात के टाइम मैरियाने लिनियस के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर लिनियस बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि शादी के बाद भी लिनियस और मैरियाने फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि लिनियस पूरी तरह बाइबल को फॉलो करता है, और इसलिए वो किसी के साथ भी फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, पर ये बात मैरियाने को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब मैरियाने दुखी होकर अपने ड्रेसर के आगे बैठ जाती है, और तभी उसे एक दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज़ें आती है, और वो सोचती है कि वो लिनियस है, पर वो लिनियस नहीं होता, तो मैरियाने थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। अब हमें दरवाजे के पीछे का सीन दिखाते हैं, जो बिल्कुल अलग ही दुनिया का होता है, और वहाँ पे हमें एक हॉलवे को दिखाया जाता है, जिसमें हम मैरियाने को चलते हुए देखते हैं, और वो चलते चलते उसी दरवाजे के पास पहुँच जाती है, जहाँ पे वो पीकिंग होल से झांक कर देखती है, और उसे दरवाजे के दूसरी तरफ मैरियाने ही दिखती है, और वो ड्रेसर पे बैठी हुई होती है। ये सीन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, पर हम व्यूअर्स यहाँ समझ पाते हैं कि इस घर के अंदर कुछ बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, और उस मिस्ट्री का पता चलते ही हम व्यूअर्स समझ जाएंगे कि एक घर में दो अलग अलग दुनिया और दो अलग अलग मरियाने कैसे हैं। अब नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट का सीन दिखाते हैं, जहां मरियाने लिनियस को बोलती है कि उसे इस घर में कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है, तो लिनियस मरियाने को माइंड फ्रेश करने के लिए एडिलेथ के साथ मूवी देखने जाने के लिए बोलता है। अब शाम के टाइम जब एडिलेथ और मरियाने मूवी देखकर आ रहे होते हैं, तो हम व्यूअर्स देखते हैं कि एक अजीब आदमी उन दोनों पे नज़र रखे हुए है। अब मरियाने और एडिलेथ टाउन के एक आदमी से नॉर्मली बात करने लगते हैं, पर लिनियस उन दोनों को देख लेता है, और उसे ये बात पसंद नहीं आती, और वो चर्च चले जाता है।
अब चर्च में लिनियस प्रेयर कर रहा होता है, तभी वो अजीब आदमी लिनियस के पास आ जाता है और उसका नाम होता है हेनरी। और हेनरी लिनियस से पूछता है कि क्या तुम्हें और तुम्हारी बीवी को उस घर में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। बट लिनियस हेनरी को इस बात पे गुस्सा करने लगता है कि वो उसकी फैमिली पे क्यों नज़र रखे हुए है। बट हेनरी लिनियस को समझाता है कि जो फैमिली तुमसे पहले उस घर में रह रही थी वो मारी गई थी और वो घर बहुत ज़्यादा शैतानी है, इसलिए वक्त रहते वहाँ से निकल जाओ। और फिर हेनरी बिशप मलाची को भी झूठा बताता है, पर गुस्से में लिनियस हेनरी को चर्च से बाहर निकाल देता है। अब घर का सीन दिखाते हैं जहां एडिलेथ उन क्रीपी डॉल से खेल रही होती है। अब मरियाने वहां आती है और फिर वो दोनों साथ में घर में एक गेम खेलने लगते हैं, पर गेम के बीच में ही एडिलेथ कहीं गायब हो जाती है। अब मरियाने एडिलेथ को पूरे घर में ढूंढने के बाद बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसे एक मिरर मिलता है, पर वो मिरर बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है क्योंकि जो चीज़ें मरियाने रियल वर्ल्ड में कर रही थी वो चीज़ें शीशे के अंदर वाली मरियाने थोड़ी देर में कर रही थी। अब इससे पहले मरियाने इस चीज़ को ढंग से समझ पाती, एडिलेथ वहाँ पे आ जाती है और वो मरियाने को डरा देती है और फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अब जैसे ही वो दोनों चले जाते हैं तो हमें मिरर के अंदर फिर से वो दूसरी वाली मरियाने दिखाई जाती है और यहाँ व्यूअर्स ये समझ पाते हैं कि इस घर में रियल वर्ल्ड के साथ साथ मिरर वर्ल्ड भी है और वो दूसरी वाली मरियाने मिरर वर्ल्ड के अंदर ही है, पर क्यों ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब हमें लिनियस को दिखाते हैं जिसे अपने चर्च में वो वाली बाइबल मिलती है जो मूवी की शुरू में हमें दिखाई गई थी, और फिर लिनियस उस बाइबल को मलाची को दिखाने के लिए घर लेके जाता है। अब घर पहुंचने के बाद लिनियस देखता है कि मलाची पहले से ही घर में आकर बैठा हुआ है। अब मलाची लिनियस को हेनरी के बारे में बताता है और मलाची ये बोलता है कि हेनरी एक झूठा है और अगर वो तुम्हें इस घर के बारे में कुछ भी बोले तो तुम उसकी बात पर यकीन मत करना क्योंकि ये घर बिल्कुल सेफ है। अब लिनियस मलाची से उस बाइबल के बारे में पूछता है, बट मलाची बोलता है कि ये बाइबल बहुत पुरानी है और ख़राब है तो तुम इसका यूज़ मत करना। अब मलाची के जाने के बाद डिनर के वक्त मरियाने लिनियस से उस घर के बारे में सवाल जवाब करने लगती है, पर मलाची की बात मानकर लिनियस मरियाने पे गुस्सा करता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और मरियाने वहाँ से चली जाती है। अब मरियाने लिविंग रूम में एडिलेथ को देखती है जो उसी मिरर के सामने खड़ी होती है जो पहले बेसमेंट में हमने देखा था। अब मरियाने एडिलेथ को सोने के लिए बुलाती है और जब एडिलेथ मिरर के सामने से हटती है तो हम व्यूअर्स देखते हैं कि उसकी रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी मूव नहीं करती। अब मरियाने एडिलेथ को सुलाने के लिए उसके रूम में ले जाती है जहाँ पे मरियाने एडिलेथ से उसके डॉल हाउस के बारे में पूछती है, जहाँ एडिलेथ मरियाने को सब कुछ समझाती है। बट अब मरियाने को एडिलेथ के डॉल हाउस में उन तीन क्रीपी डॉल्स का भी एक रूम दिखता है और जब मरियाने एडिलेथ से उन डॉल्स के बारे में पूछती है तो एडिलेथ बोलती है कि मैं ये नहीं बता सकती क्योंकि मेरी मॉम ने बताने के लिए मना करा है। अब मरियाने चौंक जाती है और वो एडिलेथ को बोलती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ, पर एडिलेथ बोलती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो और तुम एक झूठी हो। और अब मरियाने को गुस्सा आ जाता है और वो एडिलेथ को ज़बरदस्ती सुलाकर वहाँ से चली जाती है। अब रात के टाइम मरियाने अपनी विंडो से देखती है कि उनके घर की नौकरानी बेट्सी गार्डन रूम में है, पर एडिलेथ की क्रीपी डॉल जैसी दिखने वाली एक फिगर बेट्सी को मारने के लिए बढ़ रही है। अब मरियाने बेट्सी को आवाज़ लगाती है पर उसे सुनाई नहीं देता, तो मरियाने बेट्सी को बचाने के लिए भागती है। अब मरियाने गार्डन रूम में पहुंचती है जहाँ पे वो खुद को देखती है जिसकी गोदी में बेट्सी मरी पड़ी होती है। अब मरियाने चिल्ला चिल्ला कर लिनियस को बुला लेती है, पर लिनियस के आने पर हम व्यूअर्स देखते हैं कि मरियाने जमीन पे पागलों की तरह बैठी है और बेट्सी वहाँ है ही नहीं। और हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि ये सब मरियाने की इमेजिनेशन थी और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब ये घर मरियाने पे हावी होने लगा है। अब अगले दिन मरियाने एडिलेथ को चेकअप के लिए डॉक्टर सटर के पास लेके जाती है, जहाँ पे डॉक्टर सटर को पता चलता है कि वो दोनों उस घर में रहती हैं और फिर डॉक्टर सटर को थोड़ी टेंशन हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर सटर और हेनरी को साथ में दिखाते हैं जहाँ पे डॉक्टर सटर हेनरी को बोलता है कि उस घर में एक छोटी बच्ची भी है और हमें कुछ करना ही होगा। अब तभी मलाची वहाँ पे आ जाता है और वो हेनरी को लिनियस की फैमिली से दूर रहने की धमकी देता है और हेनरी अब मलाची को एक झूठा बिशप बताता है और उसे कन्फ्रंट करता है उन चीज़ों के लिए जो उसने पास्ट में करी हैं, पर मलाची उसे धमकी देके वहाँ से चले जाता है।
अब हेनरी को नशे की हालत में एक रोड पे दिखाते हैं, जहाँ पे तभी मलाची कुछ आदमियों को लेके आ जाता है और हेनरी को बहुत बुरी तरह मरवाता है और हेनरी अब बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी तरफ हमें लिनियस को दिखाते हैं जो अपने घर के पास वाली एक गुफा में जाता है, जहाँ उसे कुछ कब्र मिलती है और ये कब्र उस घर के पुराने ओनर की होती है। और अब लिनियस को भी मलाची पे शक होने लगता है, पर वो कब्रों को खोल के नहीं देखता। अब मरियाने को दिखाते हैं जिससे बेट्सी बात करने के लिए आती है और बेट्सी मरियाने को बोलती है कि मुझे भी इस घर में चीज़ें दिखाई देती हैं। अब बेट्सी मरियाने को एक एड्रेस देती है और उसे वहां जाकर मदद लाने के लिए बोलती है। अब मरियाने उस एड्रेस पे पहुंचती है जहां उसे हेनरी इंजर्ड हालत में मिलता है और इसका मतलब जो बेट्सी ने एड्रेस दिया है वो हेनरी का एड्रेस है। और हेनरी मरियाने को यहाँ पे बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गई। अब हेनरी यहाँ पे बताता है कि जिस घर में मरियाने रह रही है वो बहुत पहले एक कल्ट का अड्डा था, जो बहुत सारे इनोसेंट लोगों को छोटी छोटी बातों पे टॉर्चर करता था, क्योंकि उस कल्ट को ये लगता था कि वो लोगों को उनके पापों की सजा देकर गॉड के और ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे। पर जल्दी ही वो कल्ट पकड़ा गया और उन्हें उसी घर में जिंदा जला दिया गया। और अब उसी कल्ट की बुरी आत्माएं उस घर को हॉन्ट कर रही हैं और वो आत्माएं घर में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट कर देती हैं, जब तक वो लोग एक दूसरे को ही ना मार दें। अब हेनरी बोलता है कि तुम अपनी बेटी को लेकर उस घर से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। अब ये सब बातें सुनकर मरियाने थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और वो तुरंत ही घर भागती है। अब घर पे लिनियस को दिखाते हैं और अब वो घर उसे भी विजन्स दिखाता है, जिसमें वो मरियाने को घर के बेसमेंट में एक लड़के के साथ इंटीमेट होते हुए देखता है, पर वो सब अचानक ही गायब हो जाता है। अब मरियाने जब घर आती है तो बिना बात ही लिनियस उसके साथ लड़ाई करने लगता है और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि इस फैमिली की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गई है उस घर के कारण। अब अगले दिन मलाची घर पे मरियाने से मिलने के लिए आता है, क्योंकि मलाची को ये पता चला था कि मरियाने इस घर को छोड़ने वाली है। अब मलाची मरियाने को उसके पास्ट को लेकर मेंटली टॉर्चर करता है। मलाची मरियाने को वो सारी बातें याद दिलाता है जहाँ पास्ट में मलाची ने मरियाने की मदद की थी। और अब मलाची मरियाने को बोलता है कि अगर उसने इस घर को छोड़ा तो मलाची ज़िंदगी में फिर कभी मरियाने की मदद नहीं करेगा। अब मलाची के जाने के बाद मरियाने को घर में एडिलेथ कहीं नहीं मिलती और फिर मरियाने को एडिलेथ की आवाज़ घर के बेसमेंट से सुनाई देती है। अब मरियाने एडिलेथ की आवाज़ को फॉलो करते हुए बेसमेंट में जाती है, जहाँ पे उसे एक लड़की की स्पिरिट दिखती है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है और मरियाने उससे डर जाती है और सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में मरियाने को एडिलेथ उसके रूम में ही मिलती है, पर एडिलेथ अभी भी मरियाने को अपनी मॉम मानने को तैयार नहीं थी और इसका मतलब एडिलेथ को भी इस घर ने अपने वश में कर लिया है। अब एडिलेथ मरियाने से लड़ने लगती है और बोलती है कि वो इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। अब मरियाने भी एडिलेथ पे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अब मरियाने के जाते ही हमें कल्ट के मेम्बर्स की आत्माएँ एडिलेथ के चारों ओर दिखाई जाती है और सीन कट हो जाता है। अब मरियाने परेशान होकर अपने बाथरूम में होती है, जहाँ पे अब उसे ये घर बहुत सारे विजन्स दिखाएगा। और अब मरियाने खुद की रिफ्लेक्शन को प्रेग्नेंट हालत में देखती है, पर वो सब अचानक ही गायब हो जाता है। अब मरियाने एडिलेथ को देखती है जो उसी मिरर के आगे खड़ी होती है। अब एडिलेथ मरियाने को शुश करती है और तभी मरियाने को खुद के बहुत सारे रूप दीवार से चिपके हुए दिखते हैं और फिर एक ईविल फोर्स मरियाने को भी दीवार से चिपका देती है। अब वो ही बिना आंखों वाली स्पिरिट आती है और वो मरियाने के सामने ही एडिलेथ को उस मिरर के अंदर लेके चली जाती है। अब जैसे ही मरियाने दीवार से छूटती है वो मिरर के पास जाती है, जहाँ उसे मिरर के अंदर एडिलेथ उस स्पिरिट के साथ जाती हुई दिखती है। पर मरियाने मिरर के अंदर नहीं घुस पाती और अब मरियाने समझ जाती है कि इस घर की आत्माओं ने एडिलेथ को किडनैप कर लिया है। अब मरियाने लिनियस के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है, पर लिनियस नशे में होता है और वो मरियाने का मजाक उड़ाता है। और अब जब मरियाने को कुछ समझ नहीं आता तो वो सीधा हेनरी के घर जाती है और उसे मदद मांगती है। अब घर पे लिनियस को दिखाते हैं और उसे भी घर में एक कल्ट के मेंबर की स्पिरिट दिखती है और तभी सीन कट हो जाता है। अब जब मरियाने और हेनरी घर पे पहुंचते हैं तो उन्हें बेट्सी मरी हुई मिलती है, जिसे लिनियस ने मार डाला था। अब मरियाने और हेनरी को लिनियस फायरप्लेस के पास बैठा हुआ मिलता है, जो पागल सा हो गया था। और हम व्यूअर्स यहाँ पे समझ पाते हैं कि किसी कल्ट की मेंबर की स्पिरिट ने ही लिनियस को मजबूर करा होगा बेट्सी को मारने के लिए।
अब हेनरी यहाँ पे लिनियस को होश में लाता है और उसे घर में हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताता है। हेनरी बताता है कि इस घर में बहुत पहले कल्ट के मेंबर एक प्रेग्नेंट औरत को ले आए थे और उसे बेसमेंट में बांध दिया था और उस औरत की आंखें निकाल ली थी और उसका पेट चीरकर उसका बच्चा भी निकाल कर मार डाला था और फिर उस औरत को भी मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया था और उसकी हड्डियाँ अभी भी इसी घर के बेसमेंट में है। अब हेनरी बताता है कि उस औरत के मरने के बाद उसकी आत्मा मिरर वर्ल्ड में चली गई और अपनी बेटी को ढूंढने लगी और अब उस आत्मा को ये लग रहा है कि एडिलेथ उसकी बेटी है और इसलिए वो उसे अपने साथ मिरर वर्ल्ड में ले गई है और एडिलेथ को बचाने के लिए हमें भी मिरर वर्ल्ड में जाना होगा और उसके लिए एक रिचुअल करना होगा और वो रिचुअल सिर्फ लिनियस ही कर सकता है क्योंकि वो एक पादरी है। अब लिनियस को होश में लाने के बाद हेनरी मैरियाने से एडिलेथ की फेवरेट चीज़ मंगवाता है और मैरियाने एडिलेथ की डॉल लेके आती है और फिर घर के बेसमेंट में वो तीनों मिरर वर्ल्ड में जाने के लिए एक रिचुअल करते हैं। अब रिचुअल ख़त्म होते ही वो सब मिरर वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं जहां हमें सबसे पहले मैरियाने को दिखाते हैं जिसके साथ मिरर वर्ल्ड में बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। मैरियाने मिरर वर्ल्ड में खुद को ही देखती है और वो अपने आप का ही पीछा करने लगती है और फिर एक जगह जाकर वो दोनों मैरियाने रुक जाती हैं। अब अगले सीन में मैरियाने खुद को एक अजीब ड्रेस में देखती है और वो खुद को एक रूम में पाती है जहाँ पे उसे बहुत सारे पालनों में क्रीपी डॉल्स मिलती हैं। अब मैरियाने एडिलेथ को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ती है जहाँ पे उसे वही वाला अजीब मिरर मिलता है और अब वो उस मिरर में अपने आप को ही देखती है, वो भी उस टाइम में जब वो बेसमेंट में पहली बार आई थी। और यहाँ पे हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग से हमें जो दूसरी वाली मैरियाने दिखाई गई है वो असल में असली वाली मैरियाने ही है, बस वो मिरर वर्ल्ड में एडिलेथ को ढूंढने आई है। और क्योंकि मिरर वर्ल्ड में टाइम रियल वर्ल्ड से थोड़ा अलग होता है इसलिए हमें इतना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि जो दूसरी वाली मैरियाने हमें मूवी की स्टार्टिंग से दिखाई गई थी वो वाली मैरियाने असली मैरियाने ही थी, बट वो मिरर वर्ल्ड में थी और वो टाइम डायलेशन के जरिए इधर उधर ट्रैवल कर रही थी और इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। अब अगले ही सीन में मैरियाने खुद को बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है जहां उसे भी कल्ट के मेंबर ने घेर रखा होता है और वो उसे मारने वाले होते हैं, पर मैरियाने यहां पे उनसे डरने की बजाय उनका मुकाबला करती है और उनके काम की बेइज्जती करती है जिससे वो उनके चंगुल से बच जाती है और एक रेड हॉलवे में पहुँच जाती है। अब उस हॉलवे में बहुत सारे जेल होते हैं और मैरियाने को एडिलेथ की आवाज़ सुनाई देती है और फिर एडिलेथ की आवाज़ को फॉलो करते हुए मैरियाने एडिलेथ तक पहुंच जाती है, पर मैरियाने एडिलेथ के साथ उस औरत की आत्मा को भी देखती है जिसने एडिलेथ के दिमाग में ये अच्छे से डाल दिया था कि वो ही उसकी असली माँ है और मैरियाने एक झूठी है। अब मैरियाने उस स्पिरिट को समझाती है कि जो उसके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी और तुम्हारे को और तुम्हारी बेटी को अच्छे से दफन करूंगी और तुम्हारी इस वाली बेटी का भी ख्याल रखूंगी। अब वो स्पिरिट मैरियाने की ये बात मान लेती है और एडिलेथ को मैरियाने को वापस कर देती है और सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में लिनियस, मैरियाने, एडिलेथ और हेनरी मिलकर उस औरत और उसकी बच्चे की हड्डियां दफन कर देते हैं और उसके साथ एडिलेथ की डॉल भी दफन कर देते हैं और अब सब ठीक हो जाता है। अब रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पे मलाची के आदमी उस औरत और उसकी बच्ची की हड्डियाँ फिर से खोदकर निकाल लेते हैं और फिर मलाची उन हड्डियों को अपने साथ ले जाता है सीधा जर्मनी एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में जो देखने से तो हिटलर के अंडर गवर्नमेंट लग रही थी। और यहाँ मलाची क्या करता है हमें कुछ भी पता नहीं चलता, पर हमें इतना ज़रूर समझ आ जाता है कि उस घर की मिस्ट्री गवर्नमेंट तक को पता है और वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब उस घर का पास बहुत ही ज़्यादा डार्क है, इतना ज़्यादा कि हमें मूवी में अभी नहीं दिखाया गया। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहां हमें लिनियस और उसकी फैमिली को खुश दिखाया जाता है जहां हम समझ पाते हैं कि अब उस घर में लिनियस की फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द बैनिशिंग मूवी की, जो कि एक अच्छी मूवी है। मूवी में काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री है और इसे देखते वक्त हमें काफ़ी अच्छा लगता है। मूवी में एक्टर्स की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है एंड ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि मैं मूवी के लिंक्स वहीं पे देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये मूवी समझ आ जाए, बट फिर भी मूवी से
रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।